हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल संगीत शिक्षा इन हिंदी। बेल आइकन को जरूर दबाएं हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संगीत शिक्षा इन हिंदी में। मैं शिवम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। राग तिलंग आपके लिए लेके आया हूँ। राग तिलंग का मैंने आपको पूर्ण परिचय बताया था इससे पहले पार्ट वन में, और अब मैं राग तिलंग की बंदिश, बहुत ही प्यारी बंदिश है और बहुत ही पॉपुलर राग है ये, बहुत ही फिल्मी गीत बने हैं इसमें, और इसका पार्ट टू है और बहुत ही प्यारी इसकी बंदिश है, वंदना भी है, और इसके आइए और तीन ताल में निबद्ध है और छोटा ख्याल जिसे हम बोलते हैं मध्यलय में है और राग तिलंग पे बेस्ड है। तो इसके पहले मैं मुख्य बोल बता देता हूँ आपके, स्थाई और अंतरे के क्या मुख्य बोल हैं, उसके बाद फिर इसकी स्वरलिपि और बंदिश का स्वरों का शब्दों का विस्तार करेंगे। और ये बंदिश अगर आप बजाएंगे ना और गाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपका गले का वर्क भी कंप्लीट होगा और फिंगरिंग का भी वर्क होगा, क्योंकि इसमें बहुत आकार है और बहुत फास्ट वर्क है इसमें फिंगरिंग का। स्टार्टिंग ही देखिए इसकी कैसी है, गामा पा नी। पहले इसके मैं मुख्य बोल बता देता हूँ, सॉरी। माता सरस्वती ज्ञान दे, शब्द ये है, माता सरस्वती ज्ञान दे विद्या बुद्धि का दान दे। बहुत छोटी लाइन है पर इसको विस्तार किया गया 16 मात्रा में, देखिए कैसे किया गया ये मैं आपको बताता हूँ अभी। माता सरस्वती ज्ञान दे विद्या बुद्धि का दान दे, सप्त स्वरों से शोभित कर दे, ताल छंद रस उर्मे भर दे। ये दो लाइनें हैं, चार लाइनें हैं, दो स्थाई की दो अंतरे की। और मैं बताना चाहूँगा ये बंदिश हमारे भैया अमित भैया, उनकी बंदिश है, उनकी पूरी निर्मित है, शब्द से लेकर स्वरों तक पूरा उन्हीं का है। और मालकोश बंदिश भी उनकी है, जय 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 माँ वाली शारदे वाली वंदना, दोनों बंदिशें उनकी हैं, तो उनको मैं क्रेडिट देते हुए बताता हूँ। ये दोनों बंदिश तालवद और स्वरवद और शब्द तीनों चीज़ों की रचना उन्हीं की है। तो शुरू करते हैं, दोबारा एक बार शब्द पढ़ते हैं। माता सरस्वती ज्ञान दे विद्या बुद्धि का दान दे, अंतरे के बोले सप्त स्वरों से शोभित कर दे, ताल छंद और रस में भर दे। सप्त स्वरों से शोभित कर दे, ताल छंद और रस में भर दे। तो अब इसकी स्वरलिपि पढ़ते हैं। गामा पा नी, गामा पा गामा पा नी, इसे पूरा इतना दुगुन दुगुन है, गामा पा गा गामा पा गामा पा नी, इसे आप इस तरह से पढ़ें, गामा पा नी, ना कि इस तरह से गामा पा गा मा पा, आपका फंबल होगा। इसको एक फ्लो बना लें, गामा पा नी, सा नी सा, तार सप्तक के सा, नी कोमल आ गया, नी पा गामा, इसमें मैंने आपको बताया था दोनों नी प्रयोग होते हैं, अहरों में शुद्ध और अवरों में कोमल। तो नी पा गामा गा गा सा सा, एक बार फिर से, गामा पा नी, सासा नीसा, नीपा गामा गा गा सासा। दूसरी लाइन है, नीसा गासा, नी मंत्र का है, पॉइंट लगा हुआ है, नी मंत्र का है, नीसा अशुद्ध नी है, नीसा गासा गामा पापा गामा पानी, पानी पामा गामा गासा, पूरा दुगुन है ये, पानी पामा गामा गासा। तो फास्ट बजेगा, जितना आप स्लो करेंगे उतना आपको ईजी रहेगा, बंदिश स्टार्ट करेंगे उतना ईजी होगा। तो पानी पामा गामा गासा ये है। अब अंतरे की स्वरलिपि पढ़ते हैं। गामा पानी सानी सासा, गामा पानी सानी सासा, नीसा नीसा पानी पापा, गामा पानी सानी सासा, नीसा नीसा पानी पापा, नीसा गासा, तार सप्तक के दोनों, नीसा गासा नीसा नीपा, ये सा है, नीसा नीपा गामा पानी, पानी पामा गामा गासा, पूरा वही है, पानी पामा गामा गासा। तो ये इसके स्वर लिपि हो गई। अब मैं इसके शब्द का विस्तार करता हूँ। माँ पूरा वग्र है, माता सरस्वती ज्ञान दे। जब मैं आपको उसको सुनाऊंगा तब आप देखिएगा ये बंदिश का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फॉर्मेट निकल के आता है, बहुत ही प्यारी बंदिश है। माता सरस्वती ज्ञान दे विद्या बुद्धि का दान दे, पूरा वग्र है। दोबारा एक बार फिर से स्थाई, माता सरस्वती ज्ञान दे विद्या बुद्धि का दान दे, पूरा है। अंतरा, सप्त स्वरों से शोभित कर दे, दोबारा, सप्त स्वरों से शोभित कर दे, ताल छंद रस उर में भर दे, भर दे, भर दे। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, सप्त स्वरों से शोभित कर दे, ताल छंद रस उर में भर दे, पूरा है। भा के साथ वग्र है, रा के साथ वग्र है, दे के साथ वग्र है, फिर दोनों वग्र हैं आखिरी वाला। तो ये पूरा हुआ। अब इसको गाना कैसे है ये आपको बताता हूँ। गामा पा नी सा सा नी सा नी पा गामा गा गा सा सा, ये इसकी लय,
इतना बनेगा कम से कम, तब मजा आएगा। गामा पा नी सा सा नी सा नी पा गामा गा गा सा सा। तो यहाँ से गाना माता माता सरस्वती ज्ञान दे, तो ये है। तो अब इसकी सम की बात करते हैं। इसमें सम चेंज, अभी तक मेरी जितनी बंदिशें थी सब में नौवीं मात्रा पे सम थी, अब इसमें चेंज है, इसमें पांचवी मात्रा पर समा रही है, यानी कि दूसरे विभाग पे समा रही है, फिर दूसरी मात्रा, तीसरा विभाग खाली का है और फिर ये, यानी कि ये बंदिश तेरहवीं मात्रा से शुरू हो रही है। कहने का मतलब है तेरहवीं मात्रा, तबले के तेरहवीं मात्रा से, यानी ताल की तेरहवीं मात्रा से शुरू हो रही है और इसकी सम गाने के अकॉर्डिंग दूसरे विभाग में आ रही है, यानी कि पांचवीं मात्रा पर आ रही है इसकी सम। तो ये आपको मैंने पूर्ण परिचय बता दिया। अब इसका अगला भाग पार्ट थर्ड में इसको पूरा गा के बताऊंगा, पूरा संपूर्ण इसकी गाने की गायन की जानकारी दूंगा, कैसे गाना है। तब तक के लिए आप कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, लव यू ऑल। सो आप प्लीज वॉच इट दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट, एंड इफ देयर इज देयर कमेंट, सो प्लीज कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स।